दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज ये भर्ती निकल कर आ रही है इंडियन रेलवे की तरफ से। ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें कहाँ कितनी पोस्ट है, कितनी वैकेंसी है। तो दोस्तों, कोंकण रेलवे की तरफ से जो है 139 पोस्ट है और 22 नवंबर लास्ट डेट है इसकी। ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से 2206 वैकेंसी हैं एंड 5 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। ईस्टर्न रेलवे की तरफ से 3366 जो है वैकेंसी हैं एंड 3 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। ओके, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, इसमें जो है दोस्तों अप्रेंटिस है, बीई बीटेक डिप्लोमा वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट डेट 22 नवंबर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट जानते हैं हम इसका ऑर्गेनाइजेशन नेम। देख सकते हैं आप यहाँ पर ऑपोजिशन है इसकी अप्रेंटिस, ये अप्रेंटिस है 1 ईयर अप्रेंटिस। साथ ही साथ देखिए नंबर ऑफ पोस्ट, बीई सिविल वालों के लिए 30 पोस्ट है, बीई इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 30 और बीई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वालों के लिए 18 पोस्ट है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है बीई मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए 9 पोस्ट है, डिप्लोमा वालों के लिए, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए 24 पोस्ट है एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए जो है 28 पोस्ट है। अब देखिए क्वालिफिकेशन में देखिए जानते हैं यहाँ पर, देखिए जो कैंडिडेट मतलब यहाँ पर ग्रेजुएशन है, कैंडिडेट को जो है फुल टाइम पास होना चाहिए, बीई जो है फुल टाइम पास होना चाहिए और वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ओके, नेक्स्ट डिप्लोमा वाले के लिए साथ ही साथ देखिए फुल टाइम डिप्लोमा मतलब 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए फुल टाइम और एक जो है होता है ना रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। इसी प्रकार देखिए बीई की बात करें तो 4 ईयर बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग या फिर आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन इन एनी स्ट्रीम बेस्ड स्ट्रीम इलेक्ट्रिकल एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आपका जो ये जो बीई होना चाहिए 4 ईयर होना चाहिए फुल टाइम और ये जो है यूनिवर्सिटी मतलब उससे रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ओके, अब बीई मैकेनिकल जो बैचलर डिग्री मैकेनिकल इंडस्ट्रियल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसी प्रकार यहाँ भी दे रखा है बीई एसटी वालों के लिए मतलब इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी सेम यही प्रोसेस है, 4 ईयर आपकी कंप्लीट बैचलर डिग्री होनी चाहिए और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप की बीई होनी चाहिए। सेम सिविल वालों के लिए भी यही रूल होगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम डिप्लोमा सिविल वालों के लिए, फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट से आप पढ़े हुए वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिकल वालों की, यहाँ पर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल वालों की फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए आपका और जो है आपकी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। देखिए बात करें हम एक्सपीरियंस की, तो देखिए एक्सपीरियंस कैंडिडेट विद जॉब एक्सपीरियंस फॉर 1 ईयर और मोर, देखिए 1 ईयर एक्सपीरियंस है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और मोर विल बी नॉट कंसीडर्ड। तो देखिए अगर 1 ईयर से ज़्यादा का आपके पास एक्सपीरियंस है आप इसमें नहीं भर सकते हैं। ओके, इनरोल्ड एड ग्रेजुएट अप्रेंटिस फॉर टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस, आपके पास उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एज है इसकी 18 से 25 ईयर। ओके, अब देखिए इसमें जो है रिलेक्शन इन अपर एज लिमिट कैंडिडेट। ओके, तो जो एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर है। अब नेक्स्ट बात करें तो देखिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट के लिए 3। अब देखिए यहाँ सैलरी दे रखी है, जॉब लोकेशन है मुंबई। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है देखिए मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। ओके, आपकी मेरिट लिस्ट जो लगेगी उसके आधार पर होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हैं रेस्पेक्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट हु अप्लाई अगेन नोटिफिकेशन। ओके, और इस ये जो है मेरिट के आधार पर आपका एडमिशन उसमें होगा। साथ ही साथ देखिए इसमें जो है बीई और डिप्लोमा इन रिवेलेंट फील्ड, अगर आपने बीई और डिप्लोमा दोनों कर रखा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है देख सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज भी देखी जाएंगी
आपका पूरा पूरा देखिए परसेंटेज के ऊपर ही आपका एडमिशन होगा। ओके, अब देखिए एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं। फ़ीस है 100 रुपीज़। अगर कैंडिडेट आपका एससी एसटी से है या फीमेल है तो आपकी कोई भी फ़ीस नहीं है, मतलब नील है, आपकी कोई फ़ीस नहीं है। अब देखिए अप्लाई किस प्रकार करना है। अप्लाई करने के लिए आप इसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट जो है, देखिए बाय ऑनलाइन ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट पर आप इसको भर सकते हैं। और देखिए 22 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, वहाँ से जाकर आप इस पर भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे KRCL रिक्वायरमेंट 2021 पर वहाँ पे जाके आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो। ओके फ्रेंड्स, और साथ ही साथ देखिए इस PDF को पढ़ने के लिए, आप ऐसे ही नोटिफिकेशन जानने के लिए, सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ। और साथ ही साथ देखिए आप वहाँ पर ज्वाइन करके और मेरा जो है चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।